अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज करते हैं जी एक नई वीडियो का आगाज़। इस वक्त जो टाइम है वो यूके में 5 बज गए हैं और देख रहे हैं आप जो दिन है वो आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील हो रहा है। और अभी मैं जो है वो जाने लगा था सिटी सेंटर, तो मैंने कहा आपको भी दिखाता हूँ। क्रिसमस में रह गए हैं 3 दिन और वहाँ पर काफ़ी रश होगा, क्रिसमस स्टॉल्स होंगे। चलते हैं वहाँ पर किसी अच्छी लोकेशन में। हम जो है वो पहुंच गए हैं मैनचेस्टर में सिटी सेंटर, और ये आ गया भाई नेक्स्ट का स्टोर। मैं इसको देख के याद कर रहा था कि पाकिस्तान में हम अगर कहीं लोकल जाते थे शर्ट्स वगैरह लेने, तो हमें 1000 में एक टी शर्ट मिल जाती थी नेक्स्ट की। लेकिन इधर आके पता लगा भाई ओरिजिनल नेक्स्ट जो है वो कितना महंगा है। खैर, ये आपको मैं सिटी सेंटर दिखा रहा हूँ। कुछ देर पहले बारिश हुई थी तो आप देख रहे होंगे रोड्स काफ़ी गीली हैं और स्लिपी हैं। ये सेल्फ रिजेज है, इसका भी आपको किस दिन विजिट करवाएंगे। बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से इधर मैं जा नहीं रहा, वरना पहले मैं इधर जाने लगा था, लेकिन यहाँ पे जो है टाइम काफ़ी लग जाना था। तो खैर, मैंने कहा चले आपको जो है स्पोर्ट्स डायरेक्ट की सैर करवाते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छा स्टोर है। मैं वहाँ पे एक बार गया था, मैंने वहाँ से अपने शूज़ और ट्राउजर्स लिए थे। वहाँ पे सेल लगी रहती है, इसके अलावा वहाँ पे जो है वो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अभी जो है आपको दिखाते हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट में कि क्या है क्या नहीं है वहाँ पर। और ये जो है आर्नल्ड सेंटर के अंदर है, मैनचेस्टर आर्नल्ड सेंटर, ये देखें आप देख रहे हैं। तो चलते हैं हम इसके अंदर और आपको लेके चलता हूँ मैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट में। और ये जो है हम होने लगे हैं एंटर आर्नल्ड सेंटर में। और भाई यहाँ पे जो है वो मतलब ध्यान से जाना पड़ता है जब बारिश हुई, स्पेशली एक बार मैं स्लिप होने लगा था। तो खैर, इसके अंदर हम जाते हैं और आपको दिखाता हूँ। अंदर मॉल काफ़ी अच्छा होता है, डेकोरेशन हुई है क्रिसमस की वजह से। ये वीडियो तो क्रिसमस वाले दिन अपलोड कर रहा हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि क्योंकि बना मैंने पहले ली थी, क्योंकि पहले मैं यहाँ पे गया था, लेकिन मेरे पास मेरा थोड़ा सा शेड्यूल इस तरह नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं था कि इसको मैं टाइम अपलोड कर सकूँ। खैर, ये हम अब जा रहे हैं स्पोर्ट्स डायरेक्ट। एंटर होते बिल्कुल हमने स्ट्रीट जाना होता है। आप ऊपर देख रहे हैं कितनी खूबसूरत डेकोरेशन हुई है, वो रिवर आईलैंड आ गया, इसका भी जिस दिन विजिट करवाऊँगा, ये भी काफ़ी अच्छा है। ये स्टारबक्स, और इस तरह ही चलते जाएँगे हम बिल्कुल स्ट्रीट। और ये जो है आ गया जी स्पोर्ट्स डायरेक्ट, ये आप देखते हैं। इस पर हम होते हैं एंटर और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाता है। और ये देखें, जैसे ये जीन्स हैं, ये शर्ट्स हैं पड़ी हुई, अच्छी प्राइस पे हैं। इसकी प्राइस जो है प्राइस टैग साथ लगा, ये 8 या 10 pounds की होगी। और जैसे ये जीन्स हैं, इनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी होती है कि एक स्टूडेंट जो है जो पार्ट टाइम जॉब करता है वो ईज़िली यहाँ से अपने लिए चीज़ें ले सकता है। तो ऑफ़र्स भी लगी हैं। अब ये देखें, जैसे ये शर्ट है और इसकी प्राइस भी 8-9 pounds ही है, ये 70% ऑफ पे लगी है। ये दो शर्ट्स जो हैं वो 30 की हैं, और इसी तरह ही वो अप टू 70 थी जीन्स मेरे ख्याल से। और साथ ही आपको ये भी मिल जाती हैं, देखें बैग्स मिल जाते हैं। फिर ये भी शर्ट्स आ गई 2 for $22, और एक जो है वो 14 की, और इसके ऊपर जो है वो नेकवेयर भी है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये शर्ट 7 pounds की है, और साथ ये शू वाली साइड आ जाती है, ये शूज़ लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा शूज़ हैं और अच्छी क्वालिटी भी है, क्योंकि यहाँ से मैं अपने शूज़ ले चुका हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि क्वालिटी अच्छी है। जैसे प्राइस है ये 65 pounds का है, CK का है ये शूज़। और इसी तरह 20 pounds के भी हैं, 40 के भी हैं। मैंने लास्ट टाइम जो बाय किया था वो 32 या 33 pounds का था शूज़, तो वो सिंपल ब्लैक सा शूज़ था। और ये देखें, जैसे ये भी का 50 pounds लगा हुआ है, इसकी प्राइस जो लगी है। और ये देखें, ये भी आगे ट्रेनर टाइप, ये रीबुक के हैं, और इसकी प्राइस पता नहीं कितनी लगी है। और ये वाले तो शूज़ मुझे ना ये थोड़े से अजीब भी लगते हैं, जो इस क्वालिटी के बने हों, ऐसे मैंने कभी लिए नहीं है, तो इनका मुझे कुछ नहीं पता। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शू की वैरायटी है। ये स्लीपर्स हैं,
इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, आपको जो चीज़ एक बंदे को चाहिए होती है ना अपने पहनने के लिए वो सारी यहाँ से मिल जाती है, इवन स्पोर्ट्स की भी, वो भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा। ये देखें अभी ये जैकेट्स आ गई हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं जैकेट्स, इनकी प्राइस नहीं लगी हुई थी, तो हाँ बस ये टैग था, बट बल्कि इसकी लगी है सॉरी 84 pounds की है ये, आगे कोई आएगी उसकी नहीं लगी होगी। और ये देखें ये भी ओवरकोट टाइप पड़ा है, ये एयर मैक्स, ये उसकी जो है शर्ट्स हैं, और इसके साथ ही आगे चलते जाएं ये ट्राउज़र्स आ गए, और ट्राउज़र 73 pounds का ये लगा हुआ है भाई। मतलब चीज़ें यहाँ पे महंगी भी हैं सस्ती भी हैं, आपको ढूंढनी पड़ती हैं खुद, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आप जैसे ये देखें दो शर्ट्स हैं ये 17 की, और अगर एक लेते हैं तो वो 10 pounds से ज़्यादा की है, तो इस तरह की ऑफ़र जो है वो यहाँ पे अक्सर औकात लगी होती है, मैं तो जब भी आता हूँ ऑफ़र लगी होती हैं। अब ये देख लें 14 pounds की एक है और 22 की दो हैं, और ये काफ़ी अच्छी है और है भी ब्रांडेड, लोकल नहीं है। और इसके साथ ही हम जैसे आगे चलते जाएँ तो यही ट्राउज़र्स भी आ गए, और ये 10 pounds का एक और 16 के 2 हैं। तो इस तरह की आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपको जो गर्म ट्राउज़र और जो इस तरह की शर्ट्स होती हैं तो वो यहाँ से आपको मिल जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मुझे देख के ना पाकिस्तान का वो याद आ रहा था, पठानों की दुकान, वहाँ पे ऐसे कपड़े लगे होते हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी वो वाली फ़ील आ रही थी यहाँ पर ना। तो ये देखें जैसे आप एस्केलेटर देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम नीचे जाते हैं तो सारा स्पोर्ट्स का सामान है। अब जो भाई सिक्योरिटी करते हैं और उनके लिए देखें यहाँ पे जो है वो जैकेट्स, ये हाईवेज जो हैं ये मिल जाती हैं, इसके अलावा ये 26 की है, इसके अलावा सिक्योरिटी का सामान, क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसका जो सामान, उसके शूज़ हैं, उसकी जो हाईवेज हैं, और उसका उसमें जो आप बैच होल्डर है वो यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं भाई नीचे, और नीचे जो है हम पहुंच गए हैं, और यहाँ पे सारा स्पोर्ट्स का सामान है मैक्सिमम, और जैसे आप ये देख रहे हैं, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं कि मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स करता नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है वो है क्या, लेकिन जिसका पता वो तो आपको बताता रहूँगा। तो ये थोड़ा सा ओवर व्यू था ये नीचे, अब आपको दिखाते हैं चीज़ें। ये देखें ग्लव्स पड़े हैं, अब ये पता नहीं किस चीज़ के ग्लव्स हैं, और साथ में ये शूज़ पड़े हैं जो कि फुटबॉल खेलते वक्त हम यूज़ कर सकते हैं, 70 pounds के, इससे चीप भी पड़े हुए हैं डिपेंड कर, और इससे महंगे भी हैं, डिपेंड करता है आपने कौन से लेने हैं और कौन से जो हैं वो नहीं लेने, वो आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें काफ़ी शूज़ पड़े हैं स्पोर्ट्स के लिए, जैसे ऊपर ट्रेनर्स थे और दूसरे शूज़ थे, इस तरह ये वाले जो हैं ये स्पोर्ट्स के लिए हैं स्पेशल, और ये जैसे स्पोर्ट्स के लिए शर्ट्स जो हैं यूज़ होती हैं ये वो हैं सारी, और साथ ही ये जो है वेट लिफ्टर जो बेल्ट यूज़ करते हैं ये वो वाली बेल्ट है, साथ में ये सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो बॉडी बिल्डर खाते हैं, जो जिम करते हैं वो यूज़ करते हैं, उनको बेहतर पता होगा, हम तो भाई जिम करते नहीं हैं। और ये क्या था, ये भी ग्लव्स हैं लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये स्पोर्ट्स के लिए शर्ट्स पड़ी हैं, ये भी सेल लिखा है, ये भी सेल पर लगी होंगी, अब इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। और ये सॉक्स वगैरह लगी थी, और ये साइड पे ट्राउजर्स हैं, और ये ये रग्बी में जो यूज़ होती है बॉल, और ये जो फुटबॉल है, और साथ में ये स्पोर्ट्स का सामान है सारा, और वो हॉकी लगी हुई है, अगर किसने हॉकी खेली है तो वो भी यहाँ से मिल जाती है, बैट भी मिल जाते हैं। दरअसल बैट दूसरी साइड पर पड़े हैं, वहाँ पे ना 2-3 फीमेल्स खड़ी थी, तो मुझे जाना मुनासिब नहीं लगा क्योंकि वीडियो के अंदर फिर उन्होंने भी आ जाना था, तो वहाँ पे मैं गया नहीं दूसरी साइड पे। और ये भाई स्पोर्ट्स डायरेक्ट का एक रिव्यू था जो कि आपको दिया, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगा। स्पोर्ट्स डायरेक्ट जो है ये स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, यहाँ से आप इजीली कोई भी चीज़ ले सकते हैं और आपको जो है वो सही कीमत पर मिल जाती है। तो ये था आज एक व्लॉग स्पोर्ट्स डायरेक्ट पर, करते हैं अपनी वीडियो का एंड यहाँ पर, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ भी मानेगा।